Hello students and welcome back. In our previous video, we have discussed what is chain rule या what is stuff rule और अब हम उस पर कुछ और examples करने वाले हैं. कुछ examples हमने पिछले videos में देखे भी थे, कुछ और examples करने वाले हैं. At this point, I will urge you to pause this video, try all these differentiation yourself and then again watch this video to see whether you have solved them correctly or not. तो हमारा पहला एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर. कॉस के अंदर आपका एक्स का स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है. तो कॉस के अंदर कुछ है, कुछ स्टफ है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. हमें दिखना है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्टफ. माइनस साइन और स्टफ क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट स्टफ. इस स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x. तो कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर. अगला एग्जांपल है कॉस स्क्वायर एक्स. अब कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, यहां पर स्टफ क्या है. तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो आप देख सकते हो यहां पे स्क्वायर फंक्शन के अंदर कॉस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि स्क्वायर के अंदर क्या है, हमें देखना है स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, इसलिए कॉस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स. एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो कॉस एक्स के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स का खुद का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस साइन एक्स. तो ये आपके कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. आपका अगला एक्सप्रेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. नाउ अगेन प्रोसेस इज सेम, रूट के अंदर क्या है उसके बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है. पहला स्टेप ये होगा. तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, आपको याद रखना चाहिए ये. तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इसलिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. पर ये तो सिर्फ f ऑफ स्टफ में f का डिफरेंशिएशन होगा, अब स्टफ का डिफरेंशिएशन और करना होगा आपको. तो स्टफ क्या है, रूट किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो इसका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं 0. तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया 2x प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अगला एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ ln ऑफ साइन एक्स. तो f ऑफ g नहीं है, f ऑफ g ऑफ एच एक्स है. अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, प्रोसेस सेम है, इसको चेन रूल कहते हैं. आप f ऑफ g ऑफ h ऑफ i ऑफ k ऑफ कितना भी लगाते चले जाइए, प्रोसेस सेम रहेगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि रूट के अंदर क्या है, क्योंकि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, रूट. सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट, ये हो गया 1/2 रूट ln ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब जो स्टफ था उसको भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ स्टफ. स्टफ क्या है, ln ऑफ साइन एक्स. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू, ये वाला तो ऑलरेडी बाहर आ चुका डिफरेंशिएशन के, तो 1/2 रूट ln ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें करना है ln ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन. ln ऑफ साइन एक्स देखिए फिर से वही है, ln के अंदर साइन है. तो जैसे आप नॉर्मली चेन रूल लगाते थे, फिर से यहां चेन रूल लगाएंगे, ln के अंदर साइन है. क्या है ln के अंदर, अभी मत सोचिए,
सिर्फ इतना सोचिए कि ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ln का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, इसलिए ln sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन sin x, पर हमें sin x को भी और डिफरेंशिएट करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ ln sin x का। सिमिलर एग्जाम्पल मैंने एक और लिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को कैसे डिफरेंशिएट करें, प्रोसेस सेम है, बस इस बार रूट अंदर है साइन बाहर है, तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहां क्या है, साइन ऑफ सम स्टफ, वी डोंट केयर व्हाट इज स्टफ एट फर्स्ट, वी डोंट केयर व्हाट इज स्टफ, वी आर जस्ट लुकिंग एट इट एज साइन ऑफ स्टफ। साइन ऑफ स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ स्टफ, तो ये हो गया आपका कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ स्टफ डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। सो दिस इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ समथिंग, सो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टफ, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ये हो जाएगा 1 बाय टू रूट स्टफ मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ स्टफ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया साइन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का। तो इस तरीके से आप कैसे भी फंक्शन को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो, कैसे भी कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो।